प्रथम तहलका न्यूज। पलवल जिले में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों के काटे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। लावारिस कुत्तों की दहशत के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जिला नागरिक अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से लेकर अब तक करीब 7500 लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन चुके हैं। जिले में बढ़ रही लावारिस कुत्तों की संख्या कम करने के लिए प्रशासन द्वारा बनाई गई नसबंदी की योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई। पलवल शहर के कई क्षेत्रों में छाए आवारा कुत्तों के आतंक से लोग बेहद खौफजदा हैं। कॉलोनी में जगह जगह कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं और जो भी गली से निकलता है उस पर ये कुत्ते भौंकने लगते हैं और उन्हें काट लेते हैं, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं। कुत्तों का आतंक इस कदर यहाँ छाया हुआ है कि स्थानीय लोगों का ही नहीं बल्कि वाहन चालकों रेहड़ी वालों का भी गलियों से निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे घरों से निकलने में घबराते हैं। आवारा कुत्तों से परेशान लोग कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद के आला अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने की बजाय अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। गली में जा रहा अपने घर से और जब कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने घेर लिया है, क्या काट गए, दांत मार दिए, इंजेक्शन भी लगवाया था। हसन हसनपुर गए, वहाँ लगवाना, वहाँ है ना दवाई, त्रिपल बनाए। देखिए वास्तव में ये बात सही है कि कुत्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, प्रजनन संख्या बढ़ रही है उसकी, बहुत ज़्यादा कुत्ते पैदा हो रहे हैं और कुत्तों की बढ़ती संख्या के चलते आजकल मौसम भी गर्मी का है तो हर समय दिक्कत रहती है। कुत्ते के काटने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मानता हूँ मैं, एक बार डी साहब ने भी कहा था नसबंदी के बारे में, परंतु वो भी सिरे नहीं चढ़ी है। आपने सुना भी होगा कुत्ते के काटने से, कुत्ते द्वारा काटने से बच्चे की मौत या शव का जो संस्कार हो रहा होता है, जब उसके बाद वापस चले जाते हैं तो कुत्ते नोच नोच खा जाते हैं, ये वास्तविक बहुत चिंता की बात। वहीं जब इस बारे में एंटी रेबीज विभाग के डॉक्टर देवेंद्र तवेतिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुत्ते के काटे मरीजों के लिए अस्पताल में रेबीज के टीके की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुत्ते के काटने के 24 घंटे के अंदर मरीज को टीका जरूर लगवाना चाहिए। हमारे यहाँ पर डेली 60-70, किसी दिन 80, किसी दिन 50, किसी दिन 45, मतलब 80-90 तक भी पेशेंट्स आ जाते हैं किसी दिन 45 भी हो जाते हैं, किसी दिन 50 भी, 60 भी, मतलब पर एवरेज एक पर डे की लगाते हैं मंथ के हिसाब से तो 50 के आसपास एवरेज निकलती है। महीने में 1500 पेशेंट्स आ जाते हैं। इनका एक शेड्यूल होता है 0-3-7-14-28। कुत्ते काटने के 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगना चाहिए जिससे कि आगे को रेबीज फैले ना, और उसके बाद 0-3-7-14-28 का एक शेड्यूल होता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लगने चाहिए। पिछले साल के हाँ, ये हर साल गर्मियों में इन पेशेंट बढ़ जाते हैं, सर्दियों में इतने पेशेंट नहीं होते हैं, बट गर्मियों में पता नहीं किस तरीके से पेशेंट बढ़ जाते हैं हर साल। कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द शहर को आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा मिले ताकि वो चैन की सांस ले सके। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।